अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। तो जानते हैं आज की अहम खबर। बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में फ़ोटो शूट करवाने के बाद इस खातून इस मॉडल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए गए। दिल्ली सिंह गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर मुजिंदर सिंह खान ने भी इस अमल की मजम्मत की है। मॉडल ने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा किया है तो इन्होंने बेहुरमती की है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सिख ब्रादरी के जानब से कहा गया है, पाकिस्तान की अदालत ने मस्जिद में डांस की वीडियो बनाने वाले स्टार की वारंट गिरफ्तारी जारी की थी, तो लाहौर में इस खातून के खिलाफ भी ऐसा होना चाहिए जो तमाम मजहब के साथ बराबरी का सलूक करने की मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा, वरना सिख मजहब के एहतराम की कोई भी बात नहीं रहेगी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस मॉडल ने तस्वीरें जो शूट करवाई है वो नंगे सर है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में हर हंगामे ने जल्द ही सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि बहुत से लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। करतारपुर बरादरी में मुबैना फोटोशूट जो कि निशानदही मुमताज भारती सिख सहाफी ने की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगी और कहा जा रहा है कि इसकी मजम्मत की जाती है, इस मॉडल ने ऐसा क्यों किया और ऐसा नहीं करना चाहिए। सहाफी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में करतारपुर साहब के गुरुद्वारा सरी दरबार साहब के अहाते में खवातीन के लिबास के लिए नंगे सर मॉडल एक लाहौरी खातून ने सहाफी ने ट्वीट किया, इससे सिखों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। मजीद ये कहा गया कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं जो कि हमारे दिल आजारी भी हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के वजरा मजहबी अमूर को तय किया है और कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप इंसाफ समझते हैं तो हमारे साथ भी इंसाफ किया चाहिए। ये थी आज की बड़ी और अहम खबर जो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। अगर आप भी कोई राय रखते हैं और कुछ भी कहना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल करें। हमें इस वीडियो से फिल वक्त इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़।